गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कॉर्डेट्स के बारे में सारा कुछ देखा था। कॉर्डेट्स में क्या क्या था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से मैं अगेन रिपीट करूंगा हर वीडियो की तरह कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जितना भी पढ़ाया गया है सारे का डिस्क्रिप्शन है, बस सिर्फ हम लोग उसके जो फॉर्म्स है यानी कि कहाँ किसका यूज है वो हम लोग को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे। तो कॉर्डेट्स में हम लोगों ने देख लिया था कि कितने टोटल हमारे पास क्लासेज हैं, सब क्लासेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे आज सुपर क्लास स्पीसीज पाइसेज के बारे में। सुपर क्लास पाइसेज मतलब कि हम लोग फिश के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो सुपर क्लास पाइसेज में हम लोग फिश के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसमें पाइसेज को क्या किया गया, तीन क्लास में डिवाइड करा गया। कितने क्लास में, तीन क्लास में। एक था प्लैकोडर्म, दूसरा था क्लास हम लोग का जिसको बोलते थे कॉन्ड्रिसाइथेसिस, और तीसरा था ऑस्टिसाइथेसिस। इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया। प्लैकोडर्म, कॉन्ड्रिसाइथेसिस और ऑस्टियोसाइथेसिस। तो तीन क्लास में इसको डिवाइड किया गया। एक प्लैकोडर्म में किया गया, इसको हम लोग नॉर्मली, ये जो है हमारा प्लैकोडर्म जो है ये क्या है, एक्सटिंक्ट है, मतलब कि ये विलुप्त हो चुका है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जांपल्स फिर भी पूछना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हम लोग का कॉन्ड्रिसाइथेसिस हो गया और तीसरा ऑस्टिसाइथेसिस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्लास डिवाइड किया गया कॉन्ड्रिसाइथेसिस, तो कॉन्ड्रिसाइथेसिस क्योंकि ये तो प्लैकोडर्म हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। जब हम लोग आते हैं कॉन्ड्रिसाइथेसिस में, इसको हम लोग कार्टिलेजियस फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस फिश। कार्टिलेजियस फिश बोलते हैं किसको, कॉन्ड्रिसाइथेसिस को, ठीक है। अब कॉन्ड्रिसाइथेसिस में जो पॉइंट्स है आप देख, मतलब सुनते चलेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। अब इसका नाम कॉन्ड्रिसाइथेसिस रख दिया। कॉन्ड्रोज का मतलब होता है कार्टिलेज, और आइसिथीज मतलब आई साइलेंट होता है जिसको बोलते हैं, साइथीज का मतलब होता है फिश, तो कार्टिलेज फिश, इसलिए इसका नाम रखा गया कार्टिलेजियस फिश। अब जनरल कैरेक्टर इसका क्या क्या है, तो जनरल कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो ये मोस्टली जो होते हैं वो मेराइन होंगे और प्रीडेसियस होंगे, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली बोलेंगे सिंगल रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली मेराइन एंड प्रीडेसियस। दूसरा अगर हम लोग यूज करेंगे इसका, तो इसका शेप जो होगा वो फ्यूजी फॉर्म और स्पिंडल शेप्ड का होगा। इसका शेप कैसा होगा, फ्यूजी फॉर्म और स्पिंडल शेप्ड का, ठीक है। फिन्स जो होंगे बोथ, अब जो हम लोग फिश की बात कर रहे हैं तो फिन्स होते हैं, तो मेडियन फिन्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं। टेल के साइड में फिन्स देखते हैं ना, जो भी हमारे फिश होते हैं तो उनके जो स्टमक वाले पार्ट होते हैं उस जगह पे फिन्स होते हैं, फिर पीछे की तरफ भी फिन्स होते हैं, स्विमिंग करने के लिए भी फिन्स होते हैं। तो फिन्स जो होगा बोथ मेडियन एंड पेयर्ड, ऑल सपोर्टेड बाई फिन्स रे, पेल्विक फिन्स, बियर चैपर इन अ मेल, टेल हेट्रोसेरल्स। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट बोला उसको ध्यान से देखेंगे। फिन्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिन्स की अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे फिन्स कैसे कैसे देखना है इस चीज़ को समझते हैं। तो जो आगे की तरफ फिन्स मिलते हैं और पीछे की तरफ, ठीक है, तो जो आगे की तरफ फिन्स मिलेंगे इसको हम लोग पेक्टोरल फिन बोलेंगे। जो ऊपर की तरफ जो बॉडी होता है, बॉडी अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इस पोजिशन पर फिन्स मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल फिन्स। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फिन्स। एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम दिखेगा आपको, बनाने पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस आगे की तरफ जो फिन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। और जो पीछे की नीचे की तरफ फिन्स मिलेंगे, जो इस पोजीशन में मिलेंगे, इसको हम लोग पेल्विक फिन्स बोलते हैं, पेल्विक फिन्स, ठीक है। तो हेड वाले पोर्शन के पीछे अगर फिन्स जो होते हैं वो पेक्टोरल, नीचे की तरफ मिल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक फिन्स। अगर हम लोग आते हैं टेल रीजन में, तो टेल के पास जो फिन्स मिलते हैं इसको हम लोग कैड्यूल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेल रीजन है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ भी फिन्स दिखता है, देखते हैं, और इस पोजीशन पे भी फिन्स दिखता है, इस दोनों फिन्स को हम लोग बोलते हैं कैडुअल फिन्स। कौन कौन सा फिन्स है वो पोजीशन बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर बात करते हैं
इन लोगों के अलावा, तो इस पोजीशन पे भी फिंस मिलता है और इस पोजीशन पे भी मिलता है। तो फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले दो फिंस मिला, ठीक है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डॉर्सल फिंस, फर्स्ट डॉर्सल फिंस, और इसको बोलते हैं सेकंड डॉर्सल फिंस। तो आपको फिंस का सबसे पहले लोकेशन मान लेते हैं, ये माउथ वाला पार्ट है, माउथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, माउथ पार्ट है। तो माउथ के पास ऊपर वाला पेक्टोरल यहां पे इस पोजीशन में मिलेगा, पेल्विक फिंस पहले दो मिलेगा हम लोग फर्स्ट डॉर्सल फिंस, उसके बाद वाले को सेकंड डॉर्सल फिंस, और टेल के साइड में मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैडुअल फिंस, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को, इतना सारा फिंस होते हैं जो प्रजेंट होते हैं। और अगर इस पोजीशन पे, यहाँ पे अगर फिंस मिल रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर वाला फिंस कौन सा फिंस है, कैडुअल फिंस के जस्ट बिलो थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनल फिन या मेडियन मेडियन वेंट्रल फिंस, इसको हम लोग बोलते हैं एनल फिन या मेडियन वेंट्रल फिंस। तो फिंस आपको जो जो है उसका लोकेशन बता दिया गया है, अब उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स जितना भी सारा बोलेंगे वो ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या फिंस है, फ्रंट पेक्टोरल, पेल्विक, फर्स्ट डोर्सल फिंस, सेकंड डोर्सल फिंस, एनल फिंस, कैडुअल, टेल के साइड जो मिलेगा वो कैडुअल फिंस होगा, ठीक है। अब देखिए अभी जो लाइन बोले थे वही लाइन है फिर से, क्या लाइन है आपका, फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कॉन्ड्रोसाइथेसिस, कॉन्ड्रोसाइथेसिस में जो हम लोग का है फिंस बोथ मेडियन एंड पेयर्ड ऑल सपोर्ट बाय द फिंस रे पेल्विक फिन बियर क्लैपर इन मेल। पेल्विक फिन जो होते हैं वो मेल में क्लैपर का काम करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के समय फीमेल को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्किन जो होगा वो इसका स्किन टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैलेक्वाइडल स्केल एंड म्यूकस ग्लैंड, मतलब कि इसके बॉडी के ऊपर अगर हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के ऊपर स्केल्स मिलते हैं, ठीक है, पैलिक्वाइडल स्केल्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर स्केल्स जैसा टफ स्किन प्रेजेंट होगा और उससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ऐसे भी आप देखते हैं फिश को जब हम लोग टच करते हैं तो चिपचिपा जैसा वो लगता है, ठीक है, वो हाथ से स्लिपरी होता है तो म्यूकस प्रेजेंट होता है। इंडोस्केलेटन जो होगा इसका वो इंटायरली कार्टिलेजियस होगा, इंडोस्केलेटन जो होगा वो क्या होगा, कार्टिलेजियस होगा विदाउट ट्रू बोन, मतलब इसके अंदर ट्रू बोन नहीं मिलेंगे, मतलब बोन टाइप लगेगा लेकिन वो फॉल्स बोन होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रसिस्ट करेगा, प्रसिस्टेंट होगा, नोटोकॉर्ड इसके पास होगा। वर्टिबल कंप्लीट एंड सेपरेट पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट, मतलब वर्टिबल जो होगा वो कंप्लीट होगा और सेपरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग वर्टिबल की बात करेंगे तो कंप्लीट होगा और सेपरेट अलग अलग मिलेगा, और पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट होगा किसमें, कॉन्ड्रोसाइथेसिस में, ठीक है। माउथ जो होगा वो वेंट्रल होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, मतलब कि अभी कॉन्ड्रोसाइथेसिस जो देख रहे हैं इसमें माउथ जो है वो वेंट्रल होगा, मतलब कि माउथ की अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली इसके, तो माउथ वेंट्रल करने का मतलब माउथ ऐसा दिखेगा आपको, इस टाइप से निकला हुआ जैसा माउथ दिखेगा, ठीक है, तो वेंट्रल होगा। और वेंट्रल होने के साथ साथ क्या बोला कि टीथ जो है, मतलब जॉ भी प्रेजेंट होगा और टीथ जो है वो मॉडिफाइड रहेगा, और टीथ भी जो रहेगा वो पैलेक्वाइडल स्केल का ही बना हुआ होगा। स्टोमेक इसकी बात करेंगे तो जे शेप्ड का मिलेगा आपको, ठीक है, और इंटेस्टाइन जो होगा वो स्पाइरल वाल्व के साथ प्रेजेंट होगा। पॉइंट जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर मिलता चलेगा, समझ में आता रहेगा, ठीक है। क्या बोला गया कि माउथ जो होगा वो वेंट्रल होगा, जॉ भी जो है वो प्रेजेंट होगा, टीथ जो है वो मॉडिफाइड रहेगा, और पैलेक्वाइडल स्केल से स्केल की तरह इसका भी स्ट्रक्चर लगेगा देखने में, और स्टोमेक जो होगा वो जे शेप्ड का होगा, और इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वाल्व होगी, मतलब कि घुमा हुआ वाल्व प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो जितने सारे भी हमारे पास फिश जो है सुपर क्लास या हम लोग उसके जो क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो फिश जो होंगे वो रेस्पिरेशन गिल से करेंगे, लेकिन कॉन्ड्रोसाइथेसिस में 5 से 7 पेयर गिल्स प्रेजेंट होंगे, 5 to 7 पेयर क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जब वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है तो गिल स्लिट जो होता है वो सेपरेट होगा और अनकवर्ड होगा, मतलब कि आप जो हम लोग जो फिश खाते हैं नॉर्मली देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवर रहता है, उसको हटाकर उसके गिल्स को देखते हैं, ठीक है, तो इसके गिल्स जो होंगे वो अनकवर्ड होंगे और सेपरेट होंगे। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, चाइमेरस, एग्जाम्पल है चाइमेरस, इसके जो है वो
सेपरेट नहीं होते हैं और कवर्ड भी रहता है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शन है चाइमेरस। अपर कुलम एबसेंट, कहने का मतलब जब वो कवर्ड नहीं है तो अपर कुलम क्या होगा इसका, एबसेंट होगा। तो इसीलिए याद रखेंगे कि अपर कुलम जो होगा उसका क्या रहेगा, एबसेंट रहेगा। अब अगर बात करते हैं तो एयर ब्लाडर भी इसके पास नहीं होता है और लंग्स भी एबसेंट होता है कॉन्ड्रोसाइटिस में। तो याद रखेंगे एयर ब्लाडर एबसेंट, नो एयर ब्लाडर एंड लंग्स एबसेंट। हार्ट जो होगा वो टू चैम्बर्ड होगा, एक जो होगा वो ऑरिकल होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा। कहने का मतलब हार्ट जो हो गया, हार्ट की अगर बात कर रहे हैं नॉर्मली समझने के लिए, तो दो चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हार्ट टू चैम्बर्ड, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो होते हैं जितने सारे भी हमारे पाइसेज होते हैं सुपर क्लास और उसके क्लास कॉन्ड्रोसाइटिस सब के लिए नॉर्मली है कि ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब कि सिर्फ एक ही एटमॉस्फेयर में, एक ही एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बायोलॉजिकली हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल को पॉयकिलोथर्मस के भी नाम से जानते हैं, पॉयकिलोथर्मस, इसी को कोल्ड ब्लडेड या इक्टोथर्म एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉयकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड और इक्टोथर्म्स, तीनों का मीनिंग सेम होता है कि ऑर्गेनिज्म एडेप्ट इन ओनली वन काइंड ऑफ एनवायरमेंट और एटमोस्फेयर, ठीक है। दैट्स मीन्स कहने का मतलब टेम्परेचर वेरिएबल की बात अगर करते हैं तो, ठीक है। किडनी की बात करते हैं इसमें, तो किडनी जो होते हैं वो मेजोमेरिक होते हैं, ठीक है। मेजोमेरिक को ही दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं ओपिस्थोनेफ्रिक, ओपिस्थोनेफ्रिक, मेजोमेरिक का ही मतलब होता है ओपिस्थोनेफ्रिक। कहने का मतलब होता है कि एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक होगा, आपको शुरू में बताया गया है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमिनोटेलिक, तो यूरियोटेलिक होता है। और क्लोइकल जो होगा वो प्रेजेंट होगा इसमें, मतलब कुछ कुछ चीज़ अब डेवलप्ड होंगे क्योंकि मैमल तक पहुंचना है, तो इसमें क्लोइकल क्या था, प्रेजेंट था। ब्रेन जो होगा वो लार्ज ऑल्फैक्ट्री लोब और सेरिबेलम के साथ होगा, ब्रेन के पास ऑल्फैक्ट्री लोब भी होंगे और सेरिबेलम भी प्रेजेंट होंगे। और क्रैनियल नर्व्स की अगर बात करते हैं इसके ब्रेन में, तो 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्रैनियल नर्व्स कितना पेयर होता है, 10 पेयर। जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं आप रिपीटेड सुनकर आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया गया आपको कि अगर किडनी की बात करते हैं तो वो मेजोनेफ्रिक है, कहने का मतलब ओपिस्थोनेफ्रिक है, ठीक है। दूसरा कि किडनी जो है वो जो सबस्टांस सेक्रेट कर रहा है वो है यूरियोटेलिक, और किडनी के बाद की बात करते हैं तो क्लोएकल जो है इसके पास वो प्रेजेंट होता है। ब्रेन की अगर बात करते हैं हम लोग तो लार्ज ऑल्फैक्ट्री लोब और सेरिबेलम प्रेजेंट होते हैं, और क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो 10 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्ट्री लोब, नॉर्मली ऑल्फैक्ट्री लोब के पास ऑल्फैक्ट्री सैक होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल्फैक्ट्री सैक डू नॉट ओपन इनटू फैरिंग्स, मतलब इसके जो फैरिंग्स है उसमें ऑल्फैक्ट्री सैक ओपन नहीं होते हैं, यानी कि इनके खाने का कोई जो मतलब फैरिंग्स का जो फंक्शन है इसके ब्रेन से कमांड नहीं हो रहा है। अब देखिए जो फिश है तो उसमें ऐसे ऐसे बीच में लाइनिंग मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल लाइन। क्या बोलते हैं, लैटरल लाइन, कौन सा लाइन बोलते हैं, लैटरल लाइन बोलते हैं, ठीक है। सेक्स जो होगा वो सेपरेट होगा, गोनाड्स भी इसके पास प्रेजेंट होंगे, सेक्स सेपरेट है तो। और गोनोडक्ट जो होता है वो ओपन होता है क्लोएकल में, मतलब बताया है कि क्लोएकल प्रेजेंट है इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, तो क्लोएकल में क्या होता है, इसके गोनोडक्ट्स ओपन होते हैं जाकर। फर्टिलाइजेशन जो ये करता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, फिश में जो फर्टिलाइजेशन है कौन में, कॉन्ड्रोसाइटिस में, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये ओवी पैरस होते हैं, ठीक है, ओवी पैरस। दूसरा इसको हम लोग ओवोवीवी पैरस भी बोलते हैं, कहने का मतलब कि ये एग को अंदर नॉरिश करता है लेकिन यंग वंस प्रोड्यूस करता है, तो ओवोवीवी पैरस बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली याद रखेंगे कि ये जो होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। एग इसके लार्ज रहेंगे और उसके पास योल्क प्रेजेंट रहेगा। एग में जो क्लीवेज देखने को मिलेगा वो आपको मेरोब्लास्टिक मिलेगा, देखते हैं ना कि एग में एक साइड पूरा येलो वाला रहता है, एक साइड पूरा फ्लूइड पार्टिकल रहता है, तो ये इसको हम लोग जो होता है इसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब एग मिक्स रहता है, फिश के जितने सारे भी एग मिलेंगे वो मिक्स मिलते हैं, एक जगह सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरोब्लास्टिक। डेवलपमेंट जो होगा इसका डायरेक्ट होगा और विदाउट मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि कोई मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस का यूज नहीं करेगा, मतलब अगर एग रिलीज भी करता है तो डायरेक्ट वो क्या बनेगा, यंग वंस बनता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो कॉन्ड्रोसाइटिस का क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसको हम लोग सेलाची बहुत सारा नाम से जानते हैं, अलग अलग
टर्म्स है, लेकिन हम लोग को मेनली देखना है कॉन्ड्रोसाइथेसिस में एग्जाम्पल, कि कॉन्ड्रोसाइथेसिस का एग्जाम्पल्स क्या क्या है। हम लोग कॉन्ड्रोसाइथेसिस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्विंस वाले पॉइंट्स को याद रखेंगे, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे ट्रू सार्क के नाम से हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रू सार्क। ट्रू सार्क कहने का मतलब होता है, अब इसमें नॉर्मली सब आ जाते हैं, अगर हम लोग इसके ट्रू सार्क की बात करते हैं तो इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है कॉन्ड्रोसाइथेसिस के, तो ट्रू सार्क की अगर बात करते हैं तो एक ट्रू सार्क है, दूसरा डॉग फिश, डॉग फिश, स्पाइनी डॉग फिश, ये सब ट्रू सार्क है, स्पाइनी डॉग फिश, ठीक है। एस्टेगो स्टोमा, एस्टेगो स्टोमा, एस्फाइमा, रिशियोडॉन, ये सब कॉन्ड्रोसाइथेसिस के एग्जाम्पल है। स्केट्स एंड रे, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, माइलियो बैटिस, रिहिनो बैटस, प्रिस्टिस। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सबका कॉमन नेम कुछ कुछ के याद रखना है। इसको हम लोग डॉगफिश को एस्कोलीडॉन के भी नाम से जानते हैं, स्पाइनी डॉगफिश को हम लोग एस्क्वेलस के भी नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है हेप्टेंचस, इसी का कॉमन नेम है। स्टिक एंड रे वाले को हम लोग राजा के नाम से जानते हैं, ये सारे इसके कॉमन नेम वाले ऑर्गेनिज्म है। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जेब्रा सार्क भी आते हैं, जैसे ये जितना भी हम लोग देखे सबका सब क्या था, ट्रू सार्क था, ट्रू सार्क, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। इसमें हम लोग को देखना है जेब्रा सार्क भी आता है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ट्रू सार्क के बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट जेब्रा सार्क, ठीक है। जेब्रा मतलब वो ट्रू सार्क में इतना सारा एग्जांपल देखें, ऐसे एक्सटर्नली आप मतलब एक्स्ट्रा आपको बताएं, आप नॉर्मली एग्जांपल्स भी याद रख सकते हो। जेब्रा सार्क जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेगो स्टोमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्टेगो स्टोमा, एस्टेगो स्टोमा, ठीक है। नाम कॉमनली बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिश होता है, ठीक है, ये समुद्र में मिलता है, इसको हम लोग ब्यूटीफुल फिश के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटीफुल फिश। स्टेगो स्टोमा को, जेब्रा को हम लोग ब्यूटीफुल फिश के नाम से जानते हैं। फिर एग्जाम्पल इसका हाइड्रोलैगस, दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोलैगस, क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रोलैगस। हाइड्रोलैगस का कॉमन नेम जो होता है वो हम लोग का है चिमेरियो, बताया थी अभी आपको, अनकवर्ड गिल्स होते हैं चिमेरियो के, ठीक है। उसके बाद जो इसका एग्जाम्पल्स है, मतलब नॉर्मली इतना एग्जाम्पल्स आपका कॉन्ड्रोसाइथेसिस में काफी है, फिर भी आप याद रखेंगे कि कॉन्ड्रोसाइथेसिस में दो तरह के पड़े हम लोग, एक तो ट्रू सार्क, फिर जेब्रा सार्क, और फिर हम लोग पड़े हाइड्रोलैगस जिसको हम लोग बोलते हैं चिमेरो। जो हमारा
ट्रू लैगस, ट्रू सार्क और जेब्रा सार्क था, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं सब क्लास सिलाची में, और जो हमारा हाइड्रोलैगस जो है इसका सब क्लास है हेलोसेफली। तो सब क्लास अब आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे कॉन्ड्रोसाइथेसिस, ठीक है। अब दूसरा हम लोग को आता है पढ़ना है, वो है ऑस्टिसाइथेसिस। क्या पढ़ना है? ऑस्टिसाइथेसिस। तो देखते हैं हम लोग ऑस्टिसाइथेसिस। ऑस्टिसाइथेसिस, ठीक है। अब जिस तरह कॉन्ड्री का हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर देखा, हम लोग ऑस्टिसाइथेसिस का भी जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। इनहैबिट जो होता है, ऑल थॉट्स हम लोग बोल सकते हैं कि इनहैबिट्स जो होते हैं इसके, किसके, जितने भी हमारे ऑस्टिसाइथेसिस है, वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर सब में मिलते हैं, ठीक है। ये वार्म और कोल्ड दोनों वाटर में मिल सकते हैं। तो इनहैबिटेट्स अगर नॉर्मली हम लोग इसकी बात करते हैं तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर, वार्म और कोल्ड वाटर सब में मिलेंगे। बॉडी जो होगा वो स्पिंडल शेप्ड का होगा और स्ट्रीम लाइंड होगा इसका बॉडी। स्पिंडल शेप्ड और स्ट्रीम लाइंड कहने का मतलब बॉडी जो नॉर्मली मिलेगा वो माउथ में जो मिलेगा वो गोलाकार फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। पीछे से अगर टेल के पास ऐसे करके बना देते हैं नॉर्मली समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी का जो शेप होगा वो स्पिंडल्ड होगा और स्ट्रीम लाइंड मिलेगा। फिंस जो होगा बोथ मेडियन एंड पेयर्ड, बता चुके हैं आपको पहले ही, सपोर्टेड बाई अ रे फिन रे ऑफ कार्टिलेजियस और बोन, टेल यूजुअली होमोसेरल। जो हमारा कॉन्ड्री का था बॉडी का स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग, अगर हम लोग फिंस की बात करते हैं तो सेम हमारा किसका होगा, ऑस्टिसाइथेसिस में आएंगे। स्किन जो होगा वो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, लेकिन यूजुअली इम्बेडेड डर्मल स्केल, गोल गोल जैसा जो स्केल्स मिलता है जिसको ऐसे करके हटाया जाता है, ठीक है। तो जो बॉडी होगा वो म्यूकस प्रेजेंट होंगे और स्किन जो होंगे वो डर्मल स्केल मिलेगा। थ्री टाइप्स, अलग अलग टाइप क्या है, एक गैनोइड, साइक्लोइड एंड टिनोइड। गैनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल एंड टिनोइड स्केल, तीन तरह के अलग अलग मिलेंगे। विदाउट स्केल भी मिल सकता है और कोई भी पैलिकॉइडल स्केल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ड्रोसाइथेसिस में पैलिकॉइडल स्केल था, ऑस्टिसाइथेसिस में कौन सा स्केल है, डर्मल स्केल है। डर्मल में भी तीन टाइप है आपका, गैनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड टाइप से। इंडोस्केलेटन की अगर बात करते हैं तो ये चीफली ऑफ बोन होता है, कहने का मतलब कार्टिलेजियस इन स्टंजियस एंड सम अदर, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय डिस्टिंक्ट वर्टिब्रल। नोटोकॉर्ड के पास डिस्टिंक्ट वर्टिब्रल होंगे। पेल्विक ग्रिडल यूजुअली इसके पास प्रेजेंट होंगे, स्मॉल एंड सिंपल भी हो सकते हैं और एबसेंट भी हो सकते हैं, मतलब पेल्विक ग्रिडल एबसेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं तो स्मॉल भी हो सकता है। क्लैपर जो होगा यहाँ पे एबसेंट होगा, जैसे हम लोग को वहाँ पे क्लैपर मिला था किस में, कॉन्ड्रोसाइथेसिस में, उस तरह यहाँ पे क्लैपर क्या होंगे, एबसेंट होंगे, ठीक है। माउथ जो होगा वो टर्मिनल होगा, सब टर्मिनल भी होगा। जॉ जो होगा वो विथ टीथ रहेगा, जॉ के पास क्या रहेंगे, टीथ रहेंगे। क्लोएकल जो है वो लैक रहेगा और एनस प्रेजेंट होगा, जैसे उसमें क्लोएकल था यहाँ पे क्लोएकल एब्सेंट है, कम है क्लोएकल, मतलब लैक है, और ये क्या है, एनस जो है वो प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन ये करेगा गिल्स के थ्रू, लेकिन इसके पास फोर पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे, वो भी गिल्स जो होंगे वो कवर्ड होंगे और दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, कहने का मतलब अपर कुलम प्रेजेंट होगा। गिल्स जो कवर्ड होता है उस पार्ट को बोलते हैं अपर कुलम। स्विमिंग ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहने का मतलब कि एयर जिसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं प्रेजेंट होगा, विथ और विदाउट डक्ट। डक्ट का मतलब डक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर होता है तो कनेक्टेड टू फेरिंग्स एंड लंग्स लाइक जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा कुछ कुछ में, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिपनोई। डिपनोई एक है, डिपनोई इसके पास लंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो कह सकते हैं कि डिप्नोइड में लंग्स प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर जो होता है इसको फ्लॉट करने में उसमें मूव करता है, ठीक है, स्विमिंग करने में। वर्टिबल हर्ट जो होगा वो दो चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा इसका वेरिएबल है, जैसे कॉन्ट्रोसाइथेसिस में था, यानी कि हम लोग बोलेंगे पॉइकिलोथर्मस है या इक्टोथर्मस है। एडल्ट किडनी जो मिलेगा ये मेजोनेफ्रिक होगा और एक्सक्रीशन जो होगा वो यूरियोटेलिक होगा। एक्सक्रीशन कैसा है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है। ब्रेन जो होगा वो स्मॉल ऑल्फैक्ट्री लोब मिलेगा, वहाँ लार्ज ऑल्फैक्ट्री लोब थे, यहाँ पे स्मॉल ऑल्फैक्ट्री लोब है।
स्मॉल सेरिब्रम है और वेल डेवलप्ड सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब है। मतलब कि ऑप्टिक लोब भी वेल डेवलप्ड है, सेरिबेलम भी वेल डेवलप्ड है, सेरिब्रम जो है वो स्मॉल है, ऑल्फैक्टरी लोब भी क्या है स्मॉल है। और कंट्री में क्या देखा था हम लोगों ने, ये सब लार्ज थे और सेरिब्रम का चर्चा ही नहीं किया गया था। वेल डेवलप्ड लैटरल लाइन सिस्टम होगा, यानी कि इंटरनल ईयर जो होगा वो तीन साइनोकुलर कैनाल होगा, मतलब इंटरनल ईयर प्रेजेंट होंगे उसमें तीन साइनोकुलर कैनाल प्रेजेंट होंगे। सेक्स जो हो यहाँ पे ऑस्टिसाइटिस में सेपरेट होगा, गोनाड जो होंगे वो पेयर्ड के फॉर्म में होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होंगे, मोस्टली ओवीपैरस मिलेंगे, रेयरली ओवोवीविपैरस मिलेंगे या वीवीपैरस भी मिल सकते हैं। एक जो होगा वो मिन्यूट साइज का रहेगा, 12 mm का मिलेगा। क्लीवेज जो होगा इसमें मेरो ब्लास्टिक होगा, बता चुके हैं आपको ये कंट्री में सारा कुछ। डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, रेयरली मेटामॉर्फोसिस करेगा। अब मेन देखना है ऑस्टिसाइटिस के एग्जाम्पल्स, आपको इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर क्लासेज की बात करते हैं तो ऑस्टिसाइटिस के भी क्लास है, जैसे सार्कोपेट्रिजिया, क्रॉसोपेट्रिजियल, ठीक है, डिप्नोआइल, फिर इसमें सब क्लास है, बहुत सारा है। तो हम लोग को मेन ऑस्टिसाइटिस के एग्जाम्पल्स को देखना है, ठीक है। तो ऑस्टिसाइटिस के एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल जो आपने नॉर्मली हमेशा सुना भी होगा, च्वेनिसाइथिसिस। क्या है एग्जाम्पल? च्वेनिसाइथिसिस, ठीक है। अब च्वेनिसाइथिसिस एग्जाम्पल जो है इसको देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास पहला नंबर, प्रिमिटिव, सारा एग्जाम्पल एक ही जगह लिख रहे हैं, प्रिमिटिव फ्लेसी फिंड, फ्लेसी फिंड एक्सटिंक्ट फिश, नाम है लैटिमेरिया। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये लैटिमेरिया नाम के फिंस मतलब फिश जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखते चलते हम लोग क्या क्या है, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है लंग फिशेज, जिसमें हम लोग देखेंगे ईपी क्रेटेडस, ईपी क्रेटेडस इसका कॉमन नेम है नियो क्रेटेडस, प्रोटो पेटेरस, लेपिडो साइरेन, ये सारे फिश के नाम से जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। सब किसके एग्जाम्पल है? ऑस्टिसाइथिस के एग्जाम्पल है। एसी पेंसर, इसको हम लोग एस्टर्जियन, एस्टर्जियन के नाम से जानते हैं। पॉली पॉलियोडॉन, इसको हम लोग पैडल फिश के नाम से जानते हैं। पॉलियोडॉन पैडल फिश, लेपिसोस्टियस ग्रैप लाइक होता है, ग्रैपिक, इसलिए ग्रैपिक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये इतना सारा एग्जाम्पल्स है, नोट कर सकते हैं आप लोग। प्रिमिटिव फ्लेसी फिंड एक्सटिंक्ट फिश था, जिसका हम लोग लैटिमेरिया नाम था। ईपी सेराटेडस, इसको हम लोग मैकोसेटेडियो भी बोलते हैं। प्रोटोपेटेरस, लेपिडोसेरिन, एसी पेंसर, पॉलीडॉन एंड लेपी लेपिस्टो लेपी सो एस्टेरस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हारपोंडो सिप्रिनस लैबियोरोहिता,
रोहू मछली जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको रोहू बोला जाता है या रोह, कतला, बोटिया, क्रेसियस, हेट्रो, पेनियोस्टिच, ब्लैगन, ब्लैगो, एंगुइला, मुरियाना, बेलियोन, इसको हम लोग ग्रास फिश, इसको हम लोग गैर फिश के भी नाम से जानते हैं बेलियोन को, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, पेटेरोइस, सोलिया, टेट्रेडॉन, नोट करेंगे एग्जांपल्स। सब ऑस्टिसाइटिस के एग्जांपल्स हैं जो भी लिख रहे हैं, और आपको याद रखना होगा नेम सब, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जांपल्स से ही ज़्यादा आते हैं। रेमोरा, हिप्पोकैम्पस के बाद रेमोरा, ठीक है। अब हिप्पोकैम्पस की अगर बात करते हैं, सी और जिसको हम लोग बोलते हैं, ये शो करता है पैरेंटल केयर, ठीक है। तो ऑन द बेली ऑफ मेल इज अ ब्रॉड पाउच फॉर इंक्यूबेटिंग एग, मतलब उसके बेली में एक पाउच होता है जिसमें एग को वो इंक्यूबेट करता है, कौन, सी और। रेमोरा की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग इचनीस के नाम से भी जानते हैं, ये मॉडिफाइड डोर्सल फिन्स होता है जो कि एज अ सकर काम करता है और अटैच होता है बॉडी से। तो सार्क वेल ईटीसी जो आता है ये कॉमनलिज्म इसी के थ्रू करता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग आते हैं तो कुछ कॉमन नेम्स के साथ एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग कॉमन नेम्स वाले एग्जाम्पल्स को ध्यान से आप लिख सकते हैं अगर हम बोल रहे हैं तो, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एस्कोलिडोन की, जिसको हम लोग डॉग फिश बोलते हैं, स्टेगमोएस्टोमा, जिसको हम लोग जेब्रा सार के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ट्राइगन की, जिसको हम लोग स्टिंग रे के नाम से जानते हैं, टोरपेडो जिसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, रेनो बेस्टस जिसको हम लोग गल्टर फिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नेम्स वाले फिशेज हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है प्रिस्टिस जिसको हम लोग सॉ फिश के नाम से जानते हैं, चिमायरा जिसको हम लोग रेड फिश के नाम से जानते हैं, क्लैरलस जिसको हम लोग कैट फिश बोलते हैं, चाइनीज जिसको हम लोग सकर फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी और उसको बोलते हैं, गैम्बूसा मॉस्क्यूटो फिश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, एक्जो सोइटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, ट्रेडन जिसको हम लोग ग्लोब फिश बोलते हैं, डिओडॉन जिसको हम लोग पॉर्क्यूपाइन फिश के नाम से जानते हैं, लोबियोरोइता जिसको इंडियन क्रैब भी बोलते हैं या रोहू मछली भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्रैसिकस जिसको हम लोग गोल्ड फिश के नाम से जानते हैं, एंगुला जिसको हम लोग फ्रेश वाटर ईल के नाम से जानते हैं। इतना सारा हमारे पास फिश वाले का एग्जाम्पल था। तो हम लोग का फिश का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जितना सारा भी हम बोले या लिखे और जो भी कैरेक्टर बताएं उसको आपको देखना है और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। ओके, गुड बाय।